गूगल असिस्टेंट के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑन हेडफोन्स, ये आप देख सकते हैं। इसे आप जब ऑन कर देंगे तो उसका काम क्या होता है, मैं आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि गूगल असिस्टेंट के अंदर ऑन हेडफोन्स का जो ऑप्शन होता है ये क्या होता है, इसे आप कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बताता हूँ ये आपको कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको इस वीडियो को कम्प्लीट देखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे इस तरह की वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में चला जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ऑन हेडफोन्स वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, जैसे कि आपका गूगल असिस्टेंट वाला ऐप होगा तो उस पर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे लोगो आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका जीमेल का लोगो होगा उसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल रिजल्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ एक ऑप्शन होता है ऑन हेडफोन्स का। अब इसका काम क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है हेयर पर्सनल रिजल्ट ऑन योर हेडफोन्स वी योर फोन इज लॉक। अगर आपका फ़ोन लॉक हो जाता है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने लॉक लगा दिया। अब आप इसमें एयरफोन लगा लेंगे जब, है ठीक है, 3.5 mm जैक में एयरफोन लगा लेंगे तो ये असिस्टेंट है फिर भी काम करेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए ऑप्शन होता है जब आपका फ़ोन लॉक होगा इस तरीके से। ठीक है, और आप कुछ भी बोलेंगे असिस्टेंट सब कुछ सुनेगा। ठीक है, और आपको रिप्लाई भी देगा इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर लेते हैं तो। ठीक है, यही मतलब होता है और कोई मतलब नहीं होता है, मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। फिलहाल मैं लेता हूँ इस वीडियो में विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।